निर्वासन का जीवन जी रहे तिब्बत समुदाय के युवा भी अब सरकारी अफसर बन पाएंगे। देश भर में रह रहे इस समुदाय के युवा अब संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा देकर सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाएं दे सकेंगे। पहला ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नौकरी के लिए वही तिब्बती मूल के युवा पात्र होंगे जिनके माता पिता जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए थे और तब से स्थायी रूप से यहीं रह रहे हैं। निर्वासन का जीवन जी रहे तिब्बत समुदाय के युवा भी अब सरकारी अफसर बन पाएंगे। देश भर में रह रहे इस समुदाय के युवा अब संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा देकर सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाएं दे सकेंगे। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नौकरी के लिए वही तिब्बती मूल के युवा पात्र होंगे जिनके माता पिता जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए थे और तब से स्थायी रूप से यहीं रह रहे हैं। हालांकि अन्य स्तरों के लिए तो तिब्बती युवा पात्र होंगे लेकिन IAS IPS के लिए पात्र नहीं होंगे। 1959 में तिब्बत से भारत आने के बाद इन्हें सरकार से मतदान का अधिकार हासिल करने के साथ इनके पास शरणार्थी का दर्जा भी है। शरणार्थी तिब्बती धर्मशाला की निर्वासित तिब्बत सरकार को चुनते हैं और अपने कार्यों को चलाने के लिए अपनी अलग व्यवस्था भी है और कई तिब्बती युवा निर्वासित सरकार की प्रणाली के तहत चयनित होकर अपनी सरकार में सेवाएं देते हैं। ये पहली बार है कि उन्हें भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्र माना गया है। विश्व में 60 लाख तिब्बती शरणार्थी थे। अधिकतर तिब्बती समुदाय के लोगों ने भारत की नागरिकता नहीं ली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर वे भारत की नागरिकता लेते हैं तो उनका शरणार्थी का दर्जा खत्म हो जाएगा और तिब्बत की स्वतंत्रता की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1959 से 1985 तक भारत में पैदा होने वाले मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार दिया गया है। इसके मिलने के बाद कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। 2017 में करीब 360 तिब्बती शरणार्थियों ने अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करवाकर मतदाता पहचान पत्र बनाए हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है। तिब्बती युवाओं को अब भी सरकारी क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। तिब्बती युवाओं को भी चाहिए कि वे इस क्षेत्र में आगे आए। मत का अधिकार देने के बाद ये एक बड़ा निर्णय समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये एक भारत सरकार ने अपना एक नीति के माध्यम से योगदान दिया है और उसे हमें हमारे लोगों को एक जीवनी पद्धति के लिए अगर अपना उस प्रतियोगिता में जाएंगे तो सफलता होंगे तो बहुत ही योगदान मिलेगा भविष्य के लिए। हमारे लोग जरूर तैयार होंगे क्योंकि जब उन एक सीमित एक अपना एक सरकार ने नॉर्म्स के माध्यम से समाचार दिया है तो उसके माध्यम से लोग अपना लाभ उठा सकते हैं और लाभ उठाना चाहिए। इसमें पूरा जो जन्म जिन्होंने यहाँ लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक संविधान के अनुसार जो 1957 से लेकर 87 तक एक सीमित है उसके अनुसार उसमें नागरिकता के कोई संबंध नहीं है। जो है यहाँ उनको ये लाभ उठाने का एक पावदान दिया है और उस लाभ का पावदान को प्राप्त करे ना करे वो अपनी पर निर्भर है जी।